मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के सफर में एशियन ट्रेड टीवी के साथ आज एक नई पर्सनैलिटी के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूं। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने पंजाब के हवाले से सियासी एतबार से और उस फैमिली ने बहुत कुछ किया। अब तक अपनी ज़बानी अपनी कहानी वो खुद बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा तारफ उनका कराता जाऊँ। वो इस वक्त पंजाब के प्रेसिडेंट है स्पोर्ट्स एंड कल्चर के, और इसके अलावा इंसाफ बिजनेस फॉरम के प्रेसिडेंट है। इससे बढ़ के वो क्या है, मियाँ जुवेद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ चलता हूँ, उनसे आपका तारफ कराता हूँ। मियाँ साहब से, मियाँ साहब की सक्सेस स्टोरी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको मुबारकबाद मेरे पाकिस्तान की। खैर बारे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप मेरे साथ मौजूद है और मैं आपके ऑफिस में आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा मियाँ साहब, थोड़ा सा हम स्टार्ट, चूँकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है ख्वाबों से ताबीर तक, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, ठीक है, और आपके पास बहुत बड़े डेजिग्नेशन है पंजाब के हवाले से, बड़ी जिम्मेदारी है। क़यादत ने आपके ऊपर बहुत इतमाद करते हुए आपको जिम्मेदारी दी है। अब थोड़ा सा इस सफ़र को पीछे लेके चलते हैं, ये स्टार्ट कैसे हुआ, वो बचपन के ख्वाब क्या थे और आपने वो सक्सेस सब कुछ कर लिया है कि नहीं, आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा जो ख्वाब था और वो अल्लाह के फजल से वो शुमद ताबीर हुआ, उसके साथ साथ अनफॉरसीन मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था, वो भी अचीवमेंट्स मेरे जिंदगी के किरदार में जिंदगी में हिस्से में आई। सबसे पहले तो मैंने जो अपनी एजुकेशन है वो इचरा से शुरू की और गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल है इबादत कॉलोनी, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, और उससे पहले जो मेरा ख्वाब था वो था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलना। तो उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की। उस हवाले से मैं स्कूल के ज़माने में गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल की मैंने कप्तानी की, और स्कूल के ही ज़माने में मैंने पाकिस्तान इंटर बोर्ड खेलने का एजाज़ जो है वो हासिल किया। वो ऐसा वो चंद ही प्लेयर है जो कि स्कूल के ज़माने में पाकिस्तान इंटर बोर्ड टूर्नामेंट खेले। मेरे साथ जो तमाम प्लेयर्स थे वो मुख्तलिफ कॉलेजेस से थे। इसी बेस पर मैंने जब उसमें परफॉर्मेंस दी तो मुझे फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में स्पोर्ट्स बेसबॉल क्रिकेट बेस पर एडमिशन मिला। उस दौरान 1970 में उस वक्त यही खान ने एक स्कीम शुरू की, NSMAN नेशनल सर्विस मैन, ये पाक फौज की तरफ से सर्विस थी, वो बकायदा मैंने ज्वाइन की और डेढ़ साल मैंने पाकिस्तान फौज में गुजारा एज NSMAN, और वहां से कामयाबी के बाद फिर आके दोबारा मैंने अपनी तालीम जो है उसको जारी रखा, और साथ साथ क्रिकेट के लिए मैं दिन रात मैंने मेहनत की, काबिश की। उस सिलसिले में मैं सबसे पहले अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ। अंडर 19 के बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से खेला, पंजाब यूनिवर्सिटी से खेला, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से कबीर डेंट किया मैंने। इसके साथ साथ मैंने लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट किया, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट किया, उनकी तरफ से भी खेला। उसके साथ साथ मैंने लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन की कप्तानी भी की ट्रॉफी में। तो इन चीजों को आगे लेके चलते हुए क्योंकि हमारा जो खानदान है वो सॉरी हमारा बिजनेस कम्युनिटी है, राई फैमिली से मेरा ताल्लुक है। मेरे वाले साहब की ब्रांडत रोड पर 1932 से शॉप है जो कि वो माशाल्लाह उन्होंने बनाई। उसके बाद मेरे बड़े भाई वहां पर काम कर रहे थे, तो जिसके बाद मुझे ये क्रिकेट अधूरी छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरे बड़े भाइयों ने कहा कि आप अपना अब ग्रेजुएशन आपने कर ली है तो आप शॉप को ज्वाइन करें। तो मैंने बहरहाल वो शॉप ज्वाइन की, तो लेकिन क्रिकेट क्योंकि मेरा क्रेज था, क्रिकेट मैं छोड़ नहीं सकता था। तो उसके बाद मैंने 79 में मैंने लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा। मेरी अपनी पंजाब क्रिकेट क्लब है वारिस रोड पर,
जहां से बहुत से नामवर खिलाड़ी वहां से निकले हैं, सरफराज नवाब, वसीम राजा, फजल महमूद का काफी ऐसे प्लेयर हैं जो वहां से निकले, अफजल मसूद, फजल मूसा तो यूनिवर्सल क्लब से ले, अफजल मसूद साहब वगैरह, तो ये काफी वहां से सलीम मीर, पीजे मीर आपके माशाल्लाह आजकल जो है ये भी हमारी पंजाब क्लब की प्रोडक्शन है, तो इस तरह और बहुत से नामवर खिलाड़ी वहां से निकले और जिसका मैं आज तक भी लाइव कैप्टन हूँ। तो वहां से मैंने लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन पहला लड़ा वाइस प्रेसिडेंट का, तो मैं फिर यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ इन पाकिस्तान वहां पर। वहां से मेरी ये क्रिकेट की सियासत का आगाज हुआ और उसके साथ साथ वहां पर निचला में रहते हुए मेरे अपने फर्स्ट कजन है अमी अमीर साहब, वो इलेक्शन मुख्तलिफ लड़ते थे, तो उनके साथ 79 में उन्होंने कौंसल का इलेक्शन लड़ा एज वर्कर, मैंने उनके साथ भी काम किया, फिर 83 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा उनके साथ एज वर्कर भी मैंने काम किया, तो साथ साथ मैंने अपनी क्रिकेट की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जारी रखी और इसमें अल्लाह के फजल से मैं फिर चीफ सेलेक्टर लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन बना और मेरी ये अपना मुझे एजाज है, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने वसीम अकरम को सबसे पहले उसको सिलेक्ट किया, उसके साथ साथ रमीज राजा को मैंने सिलेक्ट किया, आमिर सुहेल को मैंने सिलेक्ट किया, नदीम गौरी को मैंने सिलेक्ट किया, दाऊद रहमान को मैंने सिलेक्ट किया, सलीम मलिक को मैंने सिलेक्ट किया, इजाज अहमद को मैंने सिलेक्ट किया और सबसे बड़ी बात कामरान अकबर, इसका खसूसी तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि ये अंडर 19 में इसको सिलेक्ट किया, चार मैच हो चुके थे, अब आखिरी मैच था कराची के साथ जिसके लिए दूसरे दो सिलेक्टर वजीद से अब ये इसकी बारी नेक्स्ट टाइम आएगी, तो मैंने बड़ी फाइट की और इसको चांस लाया और इसने उसमें लाहौर की तरफ से कराची के खिलाफ अपने पहले मैच में 174 स्कोर किया, उसके बाद फिर माशाल्लाह ये आगे निकलते गए। तो इस तरह काफी प्लेयर जो है जो सबसे लोअर तबके से थे, ये मोस्टली मैंने जो नाम लिए हैं जब ये हमारे पास आए थे तो बिल्कुल साइकिल भी नहीं थी इनके पास और अल्लाह के फजल से हमने इनको इस मेरिट पर, क्योंकि ये अपना टैलेंटेड थे, पोटेंशियल थे, वीएन था, स्किल था इनमें, तो इनको सिलेक्ट किया, इन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया और पाकिस्तान के लिए अब तक वो खेल रहे हैं। मैंने अल्लाह के फजल इस दौरान 87 का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया यहाँ लाहौर में, उसके साथ साथ सेमीफाइनल यहाँ पर हुआ अपना पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो कि 18 रन से लूज करके, उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज किया, उसके साथ साथ जो लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन की टीम्स हैं उनकी भी सिलेक्शन वगैरह करते रहे और बहुत सारी फतवाहत हमें अल्लाह के फजल से मिली। उसके साथ साथ जो है लास्ट मैंने 96 का वर्ल्ड कप जो है वो फाइनल जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दौरान खेला गया, उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज किया। इस दौरान मैं इचरा से शिफ्ट होकर यहाँ जौहर टाउन में आ गया, तो यहाँ पर मेरे बुजुर्ग जो वाल साहब के दोस्त रहते क्योंकि यहाँ हमारी जमीनें थी और अभी भी जमीन है यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे ये अपना मुझे ये कहा कि तुम अब इलेक्शन लड़ो यहाँ से काउंसलर का, तो मेरा ख्याल ऐसा जिसमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, मैं इलेक्शन के लिए काम करता रहा था जरूर मियां मीर साहब के साथ, तो मैंने अपना पहला इलेक्शन यहाँ पर 91 में काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, इसको वार्ड 76 कहते हैं, उसके बाद फिर यहीं पर ही तारीख बदल बढ़े आए 93 में, उसके लिए यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, उसको जितवाया, आशा सराई के लिए इलेक्शन लड़ा, उसको जिताया, उसके बाद फिर मैं 98 में मैंने काउंसलर का जो है वो इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर 2002 में मैंने अपना टाउन नाजिम इकबाल टाउन का इलेक्शन लड़ा, वो जीता, और उसके बाद फिर 2005 में मैं समराबाद टाउन का मैंने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह के फजल से वो भी जीता और यहाँ पर डिलीवर किया। 2009 में मैं अमेरिका में था, इत्तेफाक से इमरान खान साहब वहाँ अमेरिका फंड रेजिंग के लिए आए हुए थे, तो मेरे अपना मैनू ही है मेरे डॉक्टर रियाज साहब, उनके वो एक बेस्ट फ्रेंड है हरून साहब, तो हरून साहब इमरान खान साहब का बड़ी क्लोज उनका ताल्लुक है, तो इमरान खान साहब के साथ कुछ क्रिकेट भी खेली हुई थी, उसके बाद काफी खिलाई हुई थी, तो वहां मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने इमरान खान साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान तरीके साहब ज्वाइन करें, हालांकि उस वक्त मैं टाउन नाजिम था, बहुत बड़ा प्रेशर हो सकता था, लेकिन मैंने अल्लाह के फजल से 2009 में ये पाकिस्तान तरीके साहब जो है वो ज्वाइन की और इसको ज्वाइन करने के बाद जो भी अपना दिन रात पार्टी के लिए काम किया, इसमें इंट्रा पार्टी का इलेक्शन जो कि 2012 में हुआ उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया,
और उसमें मैंने सेक्टर स्पोर्ट्स का इलेक्शन लड़ा लाहौर का और हाईएस्ट वोट मैंने 774 वोट मैंने लिए, जबकि दूसरे यहाँ पर जो भी हमारे लीडरान हैं 620 से वोट ज्यादा नहीं ले सके थे। जी मियां साहब, सबसे पहली बात तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी माशाल्लाह मेमोरी बहुत अच्छी है, आपने बड़े डिटेल के साथ अपना पूरा यानी कि कैरियर बताया हमें। माशाल्लाह आपका एक सियासी घराने से तल्लक भी है लाहौर में, माशाल्लाह आप स्टेक होल्डर हैं लाहौर में, तो मियां साहब थोड़ा सा बताइए जो क्यादत ने आप इत्माद करते हुए ये जो इंसाफ बिजनेस काउंसिल बनी है, इसके मुताबिक थोड़ा डिटेल बताइए कि ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है और आप लोग क्या कर रहे हैं इस फॉर्म पर प्लीज़। इस पर जी हमारा ये इंसाफ बिजनेस फोरम पूरे पाकिस्तान पर मुहित है ये, और इसमें हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं जफर सिंधु साहब, इसके चेयरमैन हैं पंजाब के जॉय अजमल चीमा साहब जो कि सूबाई वजीर है बैतुल माल के और सोशल वेलफेयर के, उसके बाद फिर मैं हूँ प्रेसिडेंट पंजाब IPF और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं मियां तनवीर रियाज साहब। तो इस सिलसिले में हमारा जो मेन इसमें ऑब्जेक्टिव है, मेन हमारा जो फोकस है वो जो हमारे मिडिल क्लास ताजर हैं जो के मुख्तलिफ औकात में कस्टम वालों के हाथों परेशान होते हैं, जो टैक्स वालों के हाथों परेशान होते हैं, एक्साइज वालों के हाथों परेशान रहते हैं, उनकी दाद रसी के लिए अल्लाह के बदले जब भी कोई ऐसा मौका जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब कोई ऐसा किसी दोस्त का या किसी मार्केट का मसला आता है तो उनके साथ निशाना निशाना खड़े होते हैं और उनकी जो जायज मुतालबात हैं उनको वो हर फोरम पे जो है वो पूरा करवाते हैं, चाहे वो पुलिस लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो। इस सिलसिले में हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो अभी हुई है वो खसूसी तौर पर खास तौर पर मैं अपना खराज तहसीन पेश करूंगा जनाब असद उमर साहब वजीर खुदाना और वजीर मलकत है, हमारे मेरे नेफ्यू भी हैं जनाब मियां हमाद अजहर साहब माशाल्लाह जो कि बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जिनको कि हमने बेसिकली जो इस पे वो बनाए हुए हैं समझ आई है, वो खुद ही बिजनेस मैन है, बहुत उनकी स्टील इंडस्ट्री है माशाल्लाह मियां अजहर साहब के वो सबूत है, मियां अजहर साहब की तारफ के मुताज नहीं है। तो इस हवाले से मैं मेरी उनसे बड़ी तफसील इनंत मीटिंग हुई थी, मैंने कहा बात यह है कि हमारा पाकिस्तान का जो ताजर है इवन जो कॉर्पोरेट क्लास है वो भी ताजर भी तमाम लोग टैक्स देने को तैयार हैं और टैक्स देना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम ये टैक्स देंगे तो मुल्क की पहिया चलेगा, इससे ही जो मुल्क के मसाइल हैं उनको आगे लेकर हल किया जाएगा। तो इसके लिए लेकिन जो तरीका काम है इसको आपको अक्सर चेंज करने की जरूरत है। अब देखिए इस वक्त 22 करोड़ की आवाम है, उसके बाद करोड़ों के हिसाब से बिजनेसमैन है, लाखों के हिसाब से अपना दूसरे और बिजनेस हो रहे हैं, तो आपका जो है अपना इस वक्त जो अपना फाइलर है वो सिर्फ लाखों की तादाद में है, जिसको मैं समझता हूँ कि करोड़ों की तादाद में होना चाहिए, ना कि जो आपके नेट में आ गया है आप उसको बार बार निचोड़ते रहे, उसको ही आप हरासमेंट मचाते रहे, उस पर ही आप छापे मारते रहे, इसकी बजाय जो है पूरा एक्टिवली पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो बिजनेस कर रहा है जो अपना फोर्ड कसला उस पर उसके मुताबिक जो है वो टैक्स लगाया जाए। और एक मैंने अपने और उनको कोशिश ये करें कि डायरेक्ट टैक्स इसमें जो आपका मिडिल मैन है वो इन्वॉल्व ना हो, इससे आपकी जो रेवेन्यू है वो बहुत गुना जो इंशाल्लाह बढ़ेगा, जो उन्होंने इसमें एग्री किया है, जो आने वाले महीनों में आप देखेंगे बहुत बड़ी इस्लाहात जो है वो FBR में होने जा रही है। तो उसके साथ साथ फिर जो भी अपना हमारे जो भाई हमारे जो इंसाफ बिजनेस फोरम के मेंबर है, नहीं भी मेंबर है कोई भी हमारे ताजिर ताजिर भाई है, क्योंकि ये तो ताजिर बरादरी के लिए एसोसिएशन है, तो उसमें हमारा उनके जो मिसाइल लाहौर चैम्बर को आप देख लें, लाहौर चैम्बर ने चाइना की फीस जो है वो 20,000 की हुई थी, वो अल्लाह के मदद से 20,000 से कम करके हम 3600 पर लेकर आए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, इसमें खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि हमारे लाहौर बिजनेस फ्रंट के चेयरमैन जनाब अमजद साहब, सरदार उस्मान साहब, राजा हसन अख्तर साहब जो कि हमारे इसमें साथी हैं, और मजीद जो हमारी ये काबिश है कि वो हमने
20,000 से 3600 रुपए वो लाए हैं, उसके साथ साथ फिर ये एनुअल जो फीस थी वो भी 5500 थी, 5500 पे अब 1300 वो बुक उनसे करवाई है। उसके बाद फिर चैम्बर फरॉम, वरना वहां पर चैम्बर में जाने के लिए आप जो मेंबर है जो जिसे सालाना फीस दी हुई है उसका राइट है कि जब चाहे जिसका चाहे उस कार्ड उसके पास है तो वो मूव करे, लेकिन वहां पर गार्ड जो इन्होंने खड़े किए हुए हैं वो उनको घंटों बाहर इंतजार कराया करते थे, लेकिन अब अल्लाह के फजल ये नहीं है। जो भी हमारा लाहौर चैम्बर का मेंबर है वो आजादाना तौर पर मूवमेंट वहां कर सकता है, हर वहां पर जो ऑफिसर्स से जाकर अपने जो मसले हैं अपने मसाइल हैं उनको डिस्कस कर सकता है, उनको बता सकता है। तो अब उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ी मोनोपोली मैं समझता बनाई हुई है लाहौर चैम्बर में। पहले जो दोनों ग्रुप अलग थे प्याफ और फाउंडर, क्योंकि अपन आपस में बारियां पहले अलग अलग ले रहे थे, फिर जब देखा कि तीसरा ग्रुप खड़ा हो गया तो अब ये इकट्ठे हो गए और अल्लाह के फजल से ये लाहौर बिजनेस फ्रंट और हमारी इंसाफ बिजनेस फोरम को बहुत बड़ा एजाज है कि अब हम 150 वोट से लेकर 1650 वोट तक पहुंच गए हैं इनके खिलाफ। ये दोनों जिन्होंने कि अपने मुख्तलिफ सालों में जाली वोट बनाए हुए हैं, अब उनको जाली भी किया है, कई पकड़े भी हैं। पिछले साल हमने तकरीबन 220 वोट जो है कैंसिल करवाए थे इस तरह। तो इस दफा इंशाल्लाह ताला मैं आपके ये अपने चैनल के फोरम से प्रेडिक्शन है मेरी, मेरे चैलेंज है कि इस दफा हम क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये सब सी पैक और तरीके साहब की गवर्नमेंट अभी नेशनल इशू है और ठीक है, और अभी कल मैंने आपको पता है कि शहजादा ठीक है और एक्सेलेंसी पाकिस्तान में आ रहे हैं ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट किस तरफ से कैसे हो रही है और सी पैक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक आम इंसान की ज़िंदगी पर और ताजरों के लिए, और जो तरीके साहब की गवर्नमेंट है आपकी गवर्नमेंट यानी कि नया पाकिस्तान जो है ये सी पैक के हवाले से कितना क्लियर है कि बनना चाहिए और इसके असरा जो है असल में यहाँ के इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर पर होंगे कि नहीं। प्लीज़ बिल्कुल जी, खुसूसी तौर पर ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त सी पैक है मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और इस वक्त जो पाकिस्तान की जोग्राफी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंस ले गया है, बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है पाकिस्तान वर्ल्ड में इस वक्त, जिसको के तो पूरी कोशिश थी इंडिया की कि इसको आइसोलेट किया जाए ये अकेला तनहा रह जाए, लेकिन अब जब के पाकिस्तान तरीके साफ की गवर्नमेंट आई है दुनिया को पता चला है कि अब करप्शन यहाँ खत्म है, अब करप्शन यहाँ कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए इस तरह अब जॉब दर जॉब जिसे कह सकते हैं ना दुनिया से मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अब हमारा चाइना से साथ तो हमारा बड़ा अपना एक ताल्लुक है, वो तो शायद से भी मीठा ताल्लुक से है, तो इसको उसको तो ऐसी कोई वो बात नहीं, वो हम पार्टन पार्सल है, हम आपस में पार्टन पार्सल है एक दूसरे के, चाइना के साथ जो है हमारा वो जो है सिलसिला जो है मामला। उसके साथ साथ अब सऊदी अरेबिया दहाइयों के बाद दोबारा वो इस तरफ रागब हुए हैं, और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ अचीवमेंट है, ये बहुत अहम किरदार है हमारे कप्तान का। सबसे पहले उनके अपना करेक्टर जो है जिसको देखते हुए जिसको समझते हुए वो उन्होंने अब इत्मीनान का सांस लिया है, और वो अब यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर वो आ रहे हैं। मतलब रशिया रख कितने ही ममालिक जो है वो यहाँ पर इससे पहले ये मैं समझ मतलब कि इससे पहले हालात ये हैं कि पिछले साल का गवर्नमेंट में हमारे नौजवान सैकड़ों नहीं ये सब हजारों की तादाद में यहां से कंटेनरों में बंद होकर गए, और कोई ईरान के बॉर्डर में दम तोड़ गया, कोई यूरोप के बॉर्डर में दम तोड़ गया, कोई यूनान में पहुंच के दम तोड़ गया और लाख हो गए बेचारे। किस लिए? रोजगार के लिए, यहाँ रोजगार नहीं थी, यहाँ पर 450 टेक्सटाइल मिल जो है वो बंद पड़ी, स्टील मिल्स यहाँ पर बंद पड़ी। अब सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रायोरिटीज है फोकस है कि इंडस्ट्री की चिमनी से धुआं निकलना चाहिए, इंडस्ट्री का पहिया वो घूमना चाहिए, ताकि यहाँ पर
हमारे हर पाकिस्तानी को रोजगार मिले उसके टैलेंट के मुताबिक, उसके काम के मुताबिक। तो ये जो एक रुझान यहाँ से बाहर जाने का है वो टोटली खत्म हो। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके इस चैनल से दावा करता हूँ आइंदा आने वाले 2 साल के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दुनिया से हजारों लाखों लोग काम करने के लिए आएंगे। यहाँ से इंशाल्लाह बाहर कोई नहीं जाएगा। जिस तरह की हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग माशाल्लाह इमरान खान साहब और उनकी टीम कर रही है और दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हुई है। देखिए हमारे हमारा यंगेस्ट MNA इन द पार्टी मान है मुराद सही साहब, उन्होंने माशाल्लाह इस कलील अरसे में 6 महीने में एक मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह बिलियन रुपीज जो है वो उन्होंने अर्न किए और सेव किए हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। तमाम दूसरे जो है हमारे साथी वहां पर मौजूद है तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अब मुकम्मल तौर से हैंड्स में है। अब इसकी तरक्की तरवीज को कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह के पास्ट में प्रेशर आते रहे तो जी तेल निकालना बंद कर दिया, प्रेशर आए तो सेंडे का प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अब ऐसा प्रेशर लेने वाला भारत उत्तान नहीं है। जब स्टार्ट में ही जब बात हुई अमेरिका से तो अमेरिका को भी क्लियर दो टोक जवाब दिया, ये इमरान खान साहब को ही क्रेडिट है। उसके बाद बड़ी ठोस अल्फाज में मोदी को बताया ये भाई साहब आप भी एटॉमिक एनर्जी कंट्री हैं, हम भी एटॉमिक एनर्जी कंट्री हैं, आप भी बम चलाएंगे हम भी बम चलाएंगे, आप भी मर जाएंगे हम भी मर जाएंगे, तो फायदा किसको होगा ये सोच लो। द डे इमरान खान साहब ने ये बयान जब से दिया उसके बाद उनकी आंखें खुली रहे। अब वो जुर्रत नहीं कर सकते सोच के फजल से। अब इंशाल्लाह ताला जो मुल्क है वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह और जैसे आने वाले दिन महीने सारे। लेकिन अब मसला ये है कि हमारी जो कौम है बड़ी जज्बाती है, इनके लिए बस होता है कि एकदम ये जो बात हो गई ना शाम तक चोन चेंज आ जाए। लेकिन इसके लिए आप देखें कि 2 पार्टी थी मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी जिन्होंने 34 साल यहाँ पर हुक्मरानी की है और आपस में बारियां ली हैं और फ्रेंडली अपोजिशन यहाँ पर ये रखी। और उसके बाद मुल्क का क्या हाल, जब उन्होंने इंतजार छोड़ा तो मुल्क तो उसे डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, मुल्क तो उसे खत्म होने जा रहा था, जिसके लिए कप्तान साहब ने दिन रात मेहनत करके इसको खड़ा किया। अभी और आगे आने वाले महीनों में सालों में मैं कहूंगा कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक खुशहाल तरक्की पजीर हमारे जो सोना था अब बनेगा इंशाल्लाह। तो हम जानते हैं अभी तक मियां साहब से कि पंजाब में स्पोर्ट्स के हवाले से क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है और स्पेशली जो PSL हो रहा है पंजाब के, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जितने स्टेडियम से आबाद थे और अभी न्यू डेवलपमेंट क्या है, न्यू टैलेंट आगे आ रहा है उसके लिए इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर जो है फेडरेशन ये क्या कर रही है प्लीज। जी इसमें तो ये मियां साहब के सबसे पहले तो जब मैं इसका इंटर पार्टी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया सेक्टर स्पोर्ट्स बना हाइएस्ट मैंने वोट लिए, उसके फौरी बाद मैंने यहाँ पर इमरान खान टैलेंट प्रोग्राम शुरू किया। उसके लिए पूरे पाकिस्तान से हमने तकरीबन 3-4 हजार लड़कों के ट्रायल लिए, उसमें से फिर एक टीम सिलेक्ट की, वो टीम सिलेक्ट करके लड़के सिलेक्ट करके फिर हम इस्लामाबाद ले गए जिसमें ये शाहीन अफरीदी भी शामिल है जो इस वक्त पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा है। ये हमारी प्रोडक्शन है स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन की और वहां पर खुद इमरान खान साहब ने इनको देखा और खुद उन्होंने सिलेक्शन की कि ये आप 15 लड़के जो है ये आप वहाँ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वहाँ भेज दें और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। उसमें ये माशाल्लाह शाहीन अफरीदी साहब वहाँ से बरामद हुए और वो माशाल्लाह खेल रहे हैं। हम इसके साथ साथ क्योंकि ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन में और सारी गेम्स आ जाती हैं, मैं उसके बाद फिर हमारी पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन उसका उन्होंने मुझे चीफ सेक्रेटरी बनाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डेफ का, तो वो अलग वजह मैंने टीम सिलेक्ट की, वो टीम सिलेक्ट करके फिर वो दुबई में वर्ल्ड कप हुआ उनका पाकिस्तान इंडिया इंग्लैंड और श्रीलंका और तो अल्लाह के वजह वो हम वहां पर चैंपियन हुए। हमने वहां पर इंडिया को भी हराया, हमने इंग्लैंड को भी हराया, वहां हमने श्रीलंका को भी हराया। ये भी हमारी स्पोर्ट्स कल्चर फेडरेशन का ही एक हिस्सा है। और उसके साथ साथ अब जो माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आ गई है तो सबसे पहले जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मिंटो पार्क पहले उसके बाद जिसका नाम इकबाल पार्क रखा गया और जहां से बहुत से नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट
जिनके लिए वहां से मिले, जिसमें बहुत नाम है, मतलब फजल महमूद है, जिसमें नजर मोहम्मद है, जुल्फकार अहमद है, जब बेतहाशा वहां से लेजेंड्स है हमारे वहां से निकले, तो आज उसको पार्क बना दिया गया, उसकी जो असल हालत है वो बिगाड़ दी गई है, वो खत्म कर दी गई है। मेरा सबसे पहले तो ये टारगेट है कि उसको उसकी असल हालत में लाना है। उसी तरह वहां पर जैसे हमारे पुराने नेट्स लगते थे, जैसे यंगस्टर क्लब है, विक्टोरियस क्लब है, मुस्लिम जुमाना है, फ्री बैटर है, पॉइंटर है, इस तरह हमारे इन 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 क्लब से लड़के निकले और निकलकर पाकिस्तान टीम में गए, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और जिस जगह से वो गए आज उसको अपना सिर्फ करप्शन के लिए वहां पर करोड़ों अरबों रुपए लगा दिया गया, और वो जो असल हालत थी इकबाल पार्क की, मिंटो पार्क की, वो खत्म कर दी। उसके साथ साथ जैसे माशाल्लाह केपीके में अब अपना इमरान खान साहब ने वहां हर तहसील में वहां कोशिश की है, वहां स्टेडियम बने और जिसमें माशाल्लाह 70% तक कामयाब है और वहां पर बने हैं। इसको आगे लेते हुए पूरे अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह हर तहसील टाउन तालिका तलका सिंध को कहते हैं, टाउन जो सिटीज को कहते हैं, तहसील जो हमारे गांव जहां होते हैं, इनमें जो हर तहसील है इसमें कम से कम एक बड़ा स्टेडियम और उसके साथ साथ हर गेम की जो है वो एक ग्राउंड जो है हर सूरत बनाई जाएगी। गवर्नमेंट की बड़ी जमीनें पड़ी हुई हैं, बड़े कब्जे किए हुए थे लोगों ने, माशाल्लाह अभी तक हजारों कनाल जमीन ये सिर्फ 6 माह के करीब अरसे में बागुजार कराई गई है। तो ये अब इंशाल्लाह ताला ये खेलों के लिए ही काम आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब का ये विजन है, उनका ये प्रोग्राम है कि नौजवानों को बाकायदा फैसिलिटीज दी जाए, एजुकेशन तो वो तो मस्त है, उसके साथ साथ खेल का जो अपना मैदान है उनको भी आबाद किया जाए ताकि वो नेगेटिव एक्टिविटीज से बचे और अपना ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर बने, क्योंकि ये हमारे कल के मेहमान है, इन्होंने बागबोर संभाल ली है, इन्होंने आगे मुल्क को लेके आगे जाना है और मुल्क ये कोई इंशाल्लाह ताला जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत हजारों लाखों कुर्बानियां देकर हासिल किया है, इसको हजारों साल इंशाल्लाह ताला आबाद रहना है, शाद रहना है, और इसके लिए पूरी कौम का एक जज्बा है 22 करोड़ का, ये अपनी प्यारे मुल्क के लिए हर वक्त हर लम्हा हर किस्म कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़ी है। तो मैं बात कर रहा था ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन, अभी हमने इस वक्त मौजूदा चल रहा है हमारा इमरान खान 10 and 20 अपना प्रोग्राम, उसके लिए तकरीबन अभी पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स हो रहे हैं, लाहौर में सिर्फ और सिर्फ लाहौर में 2500 लड़कों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, और उसमें से जो बहुत अच्छे थे उनकी हमने सिलेक्शन किया है, फिर उनको बाकायदा हमने एक टी शर्ट दी है, उनको बाकायदा हमने सर्टिफिकेट दिया है कि आपने यहाँ ट्रायलों में लिया, फिर उनके साथ साथ उनको हेल्थ कार्ड भी दे रहे हैं, ये एक अचीवमेंट है, ये उनके लिए जो कि अपने डॉक्टर्स पैनल ऑफ डॉक्टर्स पे जाएंगे और वहां पर मुफ्त अपना इलाज कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ हम स्पॉन्सर भी हमने ढूंढे हैं, सर जो लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लड़के बाजारों पे नहीं आते, जो लड़के गाड़ी पे नहीं आते, जो लड़के मोटरसाइकिल पे नहीं आते, साइकिल पे भी नहीं आते, हम अब उनको उठाएंगे, अब उनको अब आगे लाएंगे, उनमें पोटेंशियल है, स्किल है, विजन है, अब उनको हम सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ ग्रास रूट लेवल से हम क्रिकेट को जो है प्रमोट, इसके साथ साथ हॉकी का भी हमारा जो है प्रोग्राम है, इस वक्त इंशाल्लाह आने वाले अपना महीनों में देखेंगे, दिनों में देखेंगे कि हमारे 90 मैचेस जो है हम यहाँ कराने जा रहे हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम में या जॉर्डन स्टेडियम जो है हॉकी का, इन दो जगह पे पूरे पंजाब से ये अपना टीमें बनाएंगे हॉकी की, और इनके जो लगातार टूर्नामेंट कराएंगे, फिर गुजरात जो एक बहुत बड़ी नर्सरी का बड़ा बहुत बड़े प्लेयर वहां से पैदा हुए हॉकी के, अब फिर दोबारा उसको भी आबाद करेंगे, वहां पर फैसिलिटीज जो है वो वहां पर दी जाएगी ताकि हॉकी जिसमें दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, हमारी पहचान हुई हॉकी में दुनिया में, उसको भी फिर वापस लाया जाएगा। इस तरह स्क्वाश के वाले से भी वो काफी महंगी गेम है, लेकिन उसमें भी हम इंशाल्लाह ताला वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस, जितने ज्यादा से ज्यादा मैचेस होंगे उतने ही लड़के आपको प्रोड्यूस होंगे। पंजाब की कुछ ना काफी गेम्स भी है, जैसे कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गई, इस तरह की इन चीजों को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सकाफत है, हमारी ये पहचान है पंजाब की खास तौर पर, इसी तरह इनको भी लेकर हम आगे बिल्कुल कबड्डी के मैचेस कराए जा रहे हैं। अभी हमने ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन अभी रॉयल पार्क में करवाया है, अभी ये पिछले हफ्ते कराया वहां पर,
अब इसको लेके आप आगे शरद कश्ती रानी के मुकाबले भी हम खिलाने जा रहे हैं। फिर एक और गेम है चुक बॉल जी जी जी, चुक बॉल का मैच जनरल सेक्रेटरी पंजाब का, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, बड़ा थ्रिल है, बहुत एंजॉय करे बता जो भी इसको वॉच करेगा। इंशाल्लाह उसको भी हम ला रहे हैं, उसको भी आगे उसके मैचेस वगैरह करवा रहे हैं। पिछले साल नेशनल चैंपियनशिप करवाई थी वहां पर अपना इस्लामाबाद, तो हमारे वो मोहसिन बेग साहब है, वो हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, हम मोहसिन बेग साहब को जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, बड़ा लव करते हैं इस गेम से, वो हमारे अपना प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। तो इस तरह जो है कि अब जो ग्राउंड हैं उनको बाद हम करेंगे, वो क्रिकेट की है, फुटबॉल की है, हॉकी की है, वॉलीबॉल की है, नेट बॉल की है, स्क्वॉश की है, पर गेम जो है अब उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा ताकि लड़के अपने एजुकेशन के साथ साथ इसमें भरपूर हिस्सा लें, सेहतमंद तवाना रहे। सेहतमंद तवाना मतलब ये कि पाकिस्तान सेहतमंद तवाना हो। बिल्कुल मियां साहब, कुछ वर्ड्स मैसेज इस नेशन के लिए। ये कहूंगा कि आप जहां पर हैं, जिस शोबे में हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप जरूर अपनी वो आपकी रोजगार है उसके लिए आप वहां पर काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने एक अहम किरदार भी अदा कर रहा है, वो है कि सबसे पहले पाकिस्तान, आपकी सोच जो है ये होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान हमें जिस तरह मिला, जो इसका मैंने पहले जिक्र किया है, तो इसकी हिफाजत करनी है, इसके लिए हर वक्त हर लम्हा हर किस्म की कुर्बानी देनी है, और खसूसी तौर पर खास तौर पर ये है कि हमने फूड वाले हैं उनको चाहिए कि बस कर दें, जो जो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं था, ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक करप्शन हो रही थी, तो यहाँ हर बंदा ही बेलगाम घोड़ा बना हुआ था, जैसे कि अब सबको निकेल डाली जा रही है, तो इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि फूड वाला महकमा जो है वो अपनी जो खालस जो अज़ा है वो अपना फरोख्त करे, उसके साथ साथ जो भी बिजनेसमैन है उनको भी चाहिए कि वो अपनी जो उनकी इनकम है उसका जो जायज टैक्स बनता है टैक्स दे, वो टैक्स देंगे, वो टैक्स से ये रोड्स बनेंगी, ये पुल बनेंगे, ये डैम बनेंगे, और ये मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामजन होगा। और अगली जो लास्ट जो आखिरी बात मेरी ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मियां साहब बहुत मजा आया आपके, शुक्रिया आपने कीमती टाइम दिया है। मियां साहब एशियन टीवी का दिल की अदाकारियों से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए, मेरे पास तशरीफ लाए, मुझे ये बहुत ऑनर दी, और मेरे लिए मैं समझता बहुत बड़े एजाज की बात है कि आज एशियन टीवी मेरे पास घर में है, और मैं मशहूर हूँ। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।